चित्रकूट जिले के मऊ गांव के उमा शंकर पाठक किसानी से ही अपना परिवार चलाते हैं, लेकिन खेती भी सूख जाए और सूखा राहत भी ना मिले तो किसान की हालत कैसी होगी। उमा शंकर के अनुसार पिछली खेती सूखे के कारण नहीं हुई और इस फसल के लिए पैसे नहीं है। बताइए क्या समस्या है? सूखा राहत, एक पैसा न मिला आज तक। मवेशियों के चरने से सारी खेती चल गई, रूंधे बांधे के लिए पैसा नहीं कि उसको रूंधा बंधा ले किसी प्रकार पेट के लिए उपाय हो, तो बच्चे भूखे मर रहे हैं। कोई मदद सरकारी मिल नहीं रही है, न किसी प्रकार का पैसा है, न हमारे पास सरकारी नौकरी है, न कोई धंधा है, न कोई कुछ है। बस गांव में आप ही बस करने मिला, क्या लोग को मिला है? बहुत से आदमी को मिल गया है, बहुत से आदमी को नहीं मिला है। एक एक टाइम भोजन होता है, न हमसे चोरी कर बने, न डकैती मारे बने, न कुछ हम क्या काम करें, न कोई सरकारी इमदाद हमारे पास। बाबा जी जाते हैं तो क्या कहते हैं? अरे बाबा जी जाते हैं, लेखपाल कहते हैं हम भेज दिए, तुम्हारा कागज भेज दिया, आया नहीं है, ये है वो है, उस पढ़ाना पढ़ा के चले आते हैं। कब से ऐसे कह रहे हैं? अरे साल भर हो गया, साल भर से ऐसे, साल भर से ऐसे लेखपाल लोग कह रहे हैं। बाबा सिर्फ किसानी ही करते हैं? बाबा सिर्फ किसानी करते, कुछ नहीं करते। घर में और कौन? घर में हम हैं, पापा हैं, बाबा हैं, मम्मी हैं, दादी हैं, दो भाई बहन हैं, छोटे हैं। सिर्फ किसानी से ही खर्चा चलता? सिर्फ किसानी से खर्चा चलता, वो भी सूख गया, इस बार बाढ़ आ गई तो वो भी चला गया। अब गायों को चारा खिलाते, वो भी खरीद खरीद खिलाते हैं, कुछ है ही नहीं। और वो भी 10-20-50 हजार होगा सिंचाई का, सिंचाई का होगा, खाद का होगा, बीज अभी लिए हैं, नए बीज लिए, पुराना बीज खत्म सब हो गया। लेखपाल से अब आप ही साइज कहा है, लेकिन कहें कि हाँ चलक फाइल तुम्हारी चली गई, ऊपर गई, जांच हो रही तो क्या हो रहा है, तो सर जांच आज 5-6 महीने 8 महीने से जाँचे जाँच होती। मऊ का नाम बृहद खातेदार की सूची में है, कृषि निवेश अनुदान सूची का क्रमांक 109 में 16,407 रुपया बना है, किंतु पैसा न होने के कारण भेजा नहीं गया है। पैसा खत्म हो जाएगा, जब पैसा शासन से आ जाएगा तो भेज दिया जाएगा। इस कारण से इनको पैसा नहीं दिया गया? हाँ, पैसा खत्म हो गया।